बिग बॉस तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों 5 इसकी बड़ी लड़ाई हमारे जहन में अगले बिग बॉस तक रहेगी, क्योंकि अगला जब बिग बॉस आएगा तब हम उन्हीं लड़ाइयों को रेफरेंस के तौर पे भी देखेंगे, राइट? ऐसे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस सीजन की यानी कि सीजन 14 की 5 ऐसी भयंकर लड़ाई जिसको देखने के बाद दर्शकों का दिमाग हिल गया और दर्शक सोचने लगे, मैन ये मुद्दा क्या था और क्या से क्या बन गया। जानना चाहते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मौजूद है राहुल भोज, तो आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं अब दोस्तों बिग बॉस के इस पूरे सफर की, 20 हफ्तों का सफर। बाप रे, इट्स लाइक सो डेंजरस। 20 हफ्ते, और उसमें भी सिर्फ एकमात्र रुबीना है जिसने कि पूरे के पूरे 20 हफ्ते गुजारे हैं। दोस्तों राहुल की अगर बात करें उसने 19 हफ्ते, अभिनव की बात करें तो वो भी 20 हफ्ते गुजार सकता था, बट क्या गेम हुआ है हम सबको पता है। जैस्मिन ने बहुत जल्दी ही आउट हो गई, जैस्मिन वो मुझे लग रहा था कि टॉप 5 में आएंगी। खैर, मूविंग ऑन। तो भाई सबसे पहले सबसे भयंकर जो अब जैस्मिन की बात हुई है, तो जैस्मिन वर्सेस राहुल प्लस जैस्मिन वर्सेस रुबीना, ये सबसे बड़ी भयंकर लड़ाई। देखिए इस बार लड़ाइयां है ना बहुत हुई है, तो मुद्दे बहुत ज्यादा बने हैं, तो मैं उसी के तौर पे बड़े बड़े 5 लूंगा, ठीक है? तो ये एक कैटेगरी में है, जैस्मिन वर्सेस राहुल। क्या हुआ था? टास्क आया था देश दुनिया की ट्रेवल वाला, नैना सिंह एक फेयर संचालक, पहली बार कोई फेयर संचालक इतना देखा हमने, और हमने देखा कि राहुल कृष्ण वैद्य बैग खींचता 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 चेक करके खींच के ले जा लेता है, ठीक है, स्ट्रैप उसका खोल के, जिसको जैस्मिन लेकर बड़े एकदम से हल्ला मचाने लग जाती है, आए कितना गंदा है, कितना गंदा है, कितना गंदा है करने लग जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो पानी वानी लेके जाती है, फिट करके राहुल वैद्य के मुंह पे डाल देती है। तो यहां पर ये तो भयंकर, सबसे भयंकर लड़ाई कह सकते हैं, सबसे भयंकर जो लड़ाई हुई वो ये हुई। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरी लड़ाई, जैस्मिन वर्सेस रुबीना दिलाई, बड़की छुटकी का पंचायत टास्क। कैसे भूल सकते हैं हम कि जैस्मिन भसिन ने मात्र तकियों के लिए रुबीना और उनके ग्रुप को भूखा रख दिया था। एक एक पराठा 1%, वो लोग जो दो दो तीन तीन पराठे खाते थे उन लोगों को एक पराठा, बाप रे बाप। पानी मांगा क्योंकि रुबीना को साइनस है, उस चीज के लिए जैस्मिन ने मना कर दिया। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, जो मुझे ऐसा लगता है। दूसरी भयंकर लड़ाई राहुल वर्सेस रुबीना, ओ माय गॉड, राहुल वर्सेस रुबीना, ये इस सीजन की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये जरूर लिखी जाएगी कि रुबीना दिलैक को अगर देखा जाए तो उसका सबसे इशू हुआ था, सबसे, रुबीना वर्सेस सोनाली फोगाट, रुबीना वर्सेस कविता, आ रहा हूं, सब्र रखो, धक्का मुक्की मत करो। तो यहां पर रुबीना वर्सेस राहुल वैद्य की बात करते हैं। रुबीना वर्सेस राहुल वैद्य क्यों हुई थी भयंकर लड़ाई, ये मैंने पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ अभिनव शुक्ला, बट उसके बाद ये मुद्दा थमने का नाम नहीं लिया। जब जब रुबीना किसी और से लड़ती, राहुल जंप मार के उनके खेमे में पहुंच जाते थे और रुबीना को ही बुरा भला कहने लग जाते थे, जो कि एली ने भी बोली हैं बातें, जो कि कल के एपिसोड में हमें काट के दिखाई गई। अब यहां पर दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा तो रुबीना नहीं उलझती थी, लेकिन राहुल बार 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 चुबीना और क्या नाम रुडीना, तो ये उसने बार 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 घसीटा है, उसने बार 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 जो है रुबीना को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, और हर बार रुबीना ने दिया है करारा जवाब। तो रुबीना वर्सेस राहुल मुख्य आकर्षण, दूसरी लड़ाई। तीसरी लड़ाई कविता कौशिक वर्सेस रुबीना, आउट, चल निकल, यू गेट आउट, यू लॉस्ट यू समथिंग, क्या चिकनलेस हेड वुमेन, ये बोल के कविता कौशिक को, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी पर्सनालिटी को एकदम से भागने पर मजबूर कर दिया रुबीना ने। इट्स लाइक ओएमजी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो भाई मैं हैरान परेशान, मुझे लगा शायद वो प्रैंक होगा, कविता कौशिक अभी पहुंच जाएगी, लेकिन ये क्या, रुबीना दिलैक ने आउट 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 करके उसे सचमुच में आउट कर दिया। ये सबसे भयंकर लड़ाई हुई होगी मुझे ऐसा लगता है, जहां पे रुबीना ने तो अपना कंसर्ट दिखाया था, लेकिन यहां पर कविता कौशिक जी ने क्या बात बोली थी, अभिनव को लेकर बातें बोली थी,
फ्रेंड्स विथ बेनिफिट वाली बात बोली थी और तुम्हारी शादी कैसी है ना मुझे पता है, ये चीजें जो बोली थी रुबीना उस चीज को झेल ही नहीं पाई, आउट 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 किया, वो सच में आउट होगी। तो ये भयंकर, ये इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई होगी बिग बॉस के 200 साल के इतिहास की। चौथी लड़ाई रुबीना वर्सेस सोनाली फोगाट, कैसे भूल सकते हैं, ओफो शब्द को कितना ज्यादा खींचा था, किसकी गलती थी किसकी नहीं गलती थी सलमान जी ने सारा क्लियर कर दिया। लेकिन उसके बाद रुबीना ने घर में एक और अपना दुश्मन बना लिया जो कि सोनाली फोगाट के रूप में था। सोनाली फोगाट आज भी बाहर बैठी हुई है और आज भी वो रुबीना की हार के लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं, यज्ञ कर रही हैं, हवन कर रही हैं। तो इसमें और क्या कह सकते हैं। तो रुबीना ने भले बिग बॉस की ट्रॉफी का क्या है हमें नहीं पता, कल क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो है कि सबसे ज्यादा दुश्मन तो रुबीना ने अपने बनाए हैं और ये फक्र से लोग कहेंगे। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, एली वर्सेस अभिनव, कैसे भूल सकते हैं। जैस्मिन के जाने के बाद एली, वैसे तो इसके मैं आपको बता दूं और भी लड़ाइयां हैं लेकिन ये मेन मुद्दा है। तो एली वर्सेस अभिनव ये सबसे बड़ी लड़ाई है जहां पर अभिनव के ऊपर आने पर, जैस्मिन के पिछड़ जाने पर एली गोनी बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए अभिनव से, राहुल इनसिक्योर हो गया अभिनव से और उन्होंने बैक टू बैक उस पर न चाहते हुए भी वार करने शुरू कर दिए। जस्ट बिकॉज अभिनव शुक्ला ने ग्रेस डिग्निटी आलू छील छील कर, सेब काट काट कर, संतरे खा खा कर इस तरीके का मुकाम बनाया, राइट अकॉर्डिंग टू देम। लेकिन अभिनव कितना एक इंटरनल प्लेयर था ये बात हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों बिग बॉस के घर में ये तो बहुत सारी लड़ाई हुई लेकिन ये भयंकर लड़ाइयां हुई हैं। आपको क्या लगता है, अगर कोई मेरे से मिस हो गई हो तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में इत्तला कर दीजिएगा। मैं चलता हूं, आप अपना ख्याल रखिए।